हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा। मॉम्स मैजिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे चटपटे लहसुन फ्राई, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये ठंड के दिनों में काफ़ी हद तक बहुत फ़ायदा अगर कर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या बीपी बढ़ा हुआ है तो उसे कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। आप इसे एज ए मेडिसिन ले सकते हैं। 5 से 6 कलियां ही आपको लेना है। ठंड के दिनों में तो आपको कच्ची लहसुन भी खाना चाहिए, बट हम कच्ची लहसुन नहीं खा सकते, इसलिए थोड़ा ये अलग वे है। इसको थोड़ा चटपटे और बस 2 बूंद तेल में हम इसे इसकी रेसिपी तैयार करेंगे। तो ये लिया है मैंने, 2 बल्ब लिए हैं लहसुन के और उसकी कलियां मैंने ये पहले से ही छील करके रखी हुई थी, तो ये ले लिया। और फ्रेंड्स, मैं इसे बस 2 ड्रॉप ऑलिव ऑयल में ही बनाऊंगी, ज़्यादा कोई इसमें हम ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। और बिलीव मी, ये खाने में इतना टेस्टी होता है और इसे एज ए मेडिसिन खाएं। बस 5 से 6 कलियां ही आपको खाना क्योंकि है। लहसुन की तासीर बहुत गर्म होती है और ऑलरेडी हमारी बॉडी भी बहुत गर्म होती है, बट ठंड के समय में ही इसे खाना चाहिए, गर्म गर्मी में इसे नहीं खाना चाहिए। देखिए, मैंने 2 से 3 4 ड्रॉप ऑयल डाल दिया है इसमें, ऑलिव ऑयल। अब इसे गर्म होने देंगे और गर्म होने के बाद इसमें में जितनी भी लहसुन की कलियां थी ये मैं इसमें डाल करके थोड़ा सैलो फ्राई कर लूँगी। और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। फ्रेंड्स, ठंड के दिनों में ठंड बहुत होती है, जो ठंड ये लहसुन जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। वैसे तो कच्ची लहसुन इम्पॉर्टेंट होती है, रोज़ सुबह आप गर्म पानी के साथ में एक कच्ची लहसुन खा लीजिए, बट ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थोड़ी ऐसी कड़वी टाइप की होती है, इसलिए हम वो खा नहीं सकते। देखिए, अब मैं इसमें नमक डाल दी हूँ। नमक डाल करके थोड़ा इसमें आप थोड़ा फ्राई करिए इसको, हल्का चलाइए और बस इसे ढक दीजिए। 5 मिनट तक इसे हम ढक देंगे, ढक करके पकाएंगे। ढककर पकाने से लहसुन जल्दी पक जाते हैं और इसे 5 मिनट का टाइम ऑलमोस्ट लग जाता है। और फ्रेंड्स, ये पूरा प्रोसीजर मैं लो फ्लेम में ही कर रही हूँ। ये देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं और ये लहसुन मेरी ये देखिए अच्छी तरह से पक चुकी है। गैस की फ्लेम आप बंद कर दीजिए और बस अब हम इसमें मिलाएंगे चाट मसाला। तो मैंने आधा चम्मच यहाँ चाट मसाला मिलाया है, छोटा चम्मच, और वही थोड़ी कलर वाली मिर्ची है और हल्की सी स्पाइसी भी है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, बट आई थिंक इतना सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं होना चाहिए। हम इसे चटपटा बना रहे हैं बट एज अ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। इसे आप स्नैक्स के लिए 10 12 15 ऐसी कलियाँ मत खाइएगा इसमें, ये केवल 5 से 6 कलियाँ ही खाइए और बच्चों को 2 से 3 कलियाँ ही दीजिए ठंड के लिए, कि और इतने के लिए इतना सफिशियंट है। बच्चों के लिए भी देखिए गरम था, अभी मैंने इसे प्लेट में सर्व कर लिया है। चलिए, अब इसे खाते कैसे हैं ये मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए बनकर रेडी है ये। अब इसकी एक कलिया लीजिए, सामने से आप थोड़ा सा इसका पार्ट जो है वो निकाल दीजिए और डायरेक्ट अपने मुंह पे डालिए और पीछे का हिस्सा उसे पुल कीजिए। फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि मसाला तो पूरा छिलके में बाहर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आप उसकी पूरी कली को मुंह में लीजिएगा, उसके बाद उसको पीछे से निकाल दीजिए, तो ऑटोमेटिक वो पूरा मसाला आपके मुंह पे आ जाता है। टेस्ट पूरा आपको आएगा इसका। नमक वगैरह अगर आपको थोड़ा कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से पका हुआ है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी ठंड के लिए स्पेशल रेसिपी और जो क्योर हैं ये कोलेस्ट्रॉल और बीपी वगैरह के लिए, तो ये इतनी फ़ायदेमंद है, तो ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, कीप हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।